जग से निराली बात रखते हैं, इस सुनो अंदाज में जग से निराली बात रखते हैं, असंभव कार्य हो जो भी उसी में हाथ रखते हैं, असंभव कार्य हो जो भी उसी में हाथ रखते हैं, कि डिजिटल युग के ये लड़के, कि डिजिटल युग के ये लड़के मात खाए भला कैसे, जो गर्लफ्रेंड छोड़ भी जाए तो बैकअप साथ में। और जनसंख्या कम करने का ये सबसे और चार पंक्तियां और देखिएगा कैसे होते हैं आज के ये जो लोग खड़े हुए, ये सभी आज के टाइम के जो लड़के होते हैं कैसे होते हैं, उसके बाद लड़कियों तक भी पहुंचूंगा। आप ये मत सोचना कि आपको आपको ही नापूंगा कि देखिए लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, सर में मुस्कुरा रहे ऐसा किया तो कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें। और सर आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो गए, आप बिल्कुल सही समय पर यहां पर आए। आप एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि तो मेरा लिफाफा यही अटका हुआ है। लेकिन मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिश्री घोल देते हैं, कि इनके आई लव यू का, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, करें पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं, करें पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है, धन्यवाद भैया, यहाँ पे नहीं है ऐसे लड़के, मुझे पता है आपके बहुत अच्छा, आप पढ़ाई में ध्यान देने वाले लोग हैं, लेकिन एक प्रजाति ऐसी पाई जाती है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, न जाने कैसे कर करके वो लड़की सेट करते हैं, न जाने कैसे कर करके वो लड़की सेट करते हैं। और मेरा कहना है एक भारत रत्न, कि मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो उनको भी, बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चेक करते हैं, बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चेक करते हैं। अंतिम चार पंक्ति काफी मसाला है, लेकिन फिर उसके लिए आप मुझे अगली बार बुलाना। अंतिम चार पंक्तियां और भैया रख रहा हूँ, उसके बाद जिस कार्य के लिए आपने आमंत्रित किया है, जिस कार्य के लिए स्वदेश यादव को जाना जाता है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। भैया ने पहले नंबर पे खड़ा कर दिया, तो मेरी मजबूरी थी कि आप लोगों को जोड़ना ही था मुझे। चार पंक्तियां और देख लीजिएगा, जब एक लड़की कॉलेज में एडमिशन लेती है और पहले से लेके चौथे साल तक उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और अगर यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक लड़के को लगे कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर एक बार इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील कर देना चौथी पंक्ति पे, कि पहला साल कॉलेजों में आती हुई सकुचाती, कि पहला साल कॉलेजों में आती हुई सकुचाती, जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में, बिल्कुल सीधी साधी दो चोटी में। कि पहला साल कॉलेजों में आती हुई सकुचाती, जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में। और दूसरा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, के दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में। के दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में। और तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, के तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, आग सी लगी है अब तन में बदन में। के तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, आग सी लगी है अब तन में।
और चौथा साल 8-10 लड़कों को लेके डूबी सारे लड़के लगे हैं तब से भजन में। जिस मन से आप लोगों ने अब तक अपने छोटे भाई को सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि जब भारत माता की वंदना में करूंगा, जब राष्ट्र की बात करूंगा, जब देश की बात करूंगा, तो ठीक इसी मन से आप लोग सुनेंगे। पहुंचना चाहता हूं कैसा होता है आजकल देश का युवा। ये सब हंसी मजाक है, इसके अतिरिक्त जो हमारे देश दिल में जो भावनाएं हैं भारत माता के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कहा जाता है आज का युवा अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, तब आपके समक्ष खड़ा होकर कहने की हिम्मत करता हूं। अगर बात स्वीकार हो जाए तो फिर अपनी तालियों से मेरा समर्थन करिएगा, स्वीकार करिएगा। अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। अब स्वदेश यादव को सुनिएगा कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये जो मोहल्ला है ये वाला ये थोड़ा खामोश है, आप भी थोड़ा सा अपनी तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा तो आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। क्योंकि हमारे कुल के बड़े कहीं आदरणीय दादा कुंवर बेचैन जी लिखते हैं कि ये जो कवि सम्मेलन है ये एक दो तरफा प्रक्रिया होती है, इसमें जितनी मेहनत यहाँ पर बैठे हुए ये कवि करेंगे ठीक उतनी मेहनत आप लोगों को भी सामने से करनी होती है। उन्होंने कहीं लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, कि चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों का साथ देना बहुत आवश्यक है। मैं पहुंचना चाहता हूं, चार पंक्तियां और देखिएगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपट कर घर वापस कब आना। वाह 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 वाह, तब पंक्तियां मैं करने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचने की हिम्मत करता हूं, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों की तरफ से बोल के आपने गड़बड़ कर दी, मान लो किसी का मन हो पहनाने का तो अब आएगा नहीं लेकिन मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ। और भैया मुझे एक बात याद आती है, पुनीत भैया बैठे हुए हैं पीछे, इनके विषय में बताता हूँ, बहुत समझदार और हाजिर जवाब आदमी है, इनसे बच के रहना। नहीं मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके बिल्कुल प्रूफ करके जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी भैया मास्टर हूँ, ऐसे बीच में कोई चीज छोड़ता नहीं। पुनीत भैया का एक बार मेरे पास फोन आया, बोले स्वदेश भाई यार ये कविता विता करके घर का खर्चा नहीं चल रहा यार, कुछ आइडिया दो कैसे घर का खर्चा चले, मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है। मैं कहा भैया ऐसे कविता विता से कुछ नहीं हो रहा, एक काम करते हैं कहीं पे चलते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने चलते हैं, वहां पे जाएंगे, नौकरी वोकरी लगेगी तो घर का खर्चा चल जाएगा। कह रहे ठीक है, हम दोनों चले गए एक साथ एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने। अब तुक्के से वहां पे पहला नंबर मेरा लगा। इंटरव्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा, बोले बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मैंने कहा विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ। मैंने कहा सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर हमें सफलता प्राप्त हुई, और इसमें हमारे कुछ पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि चांद पे पानी है क्या।
मैंने कहा सर साइंस तो मान चुकी है लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है एक काम करो अगले वाले को भेज दो। अब तुक्के से अगला नंबर हमारे पुनीत भैया का लगा। अब पुनीत भैया का आपको पता ही है बिल्कुल हाजिर जवाब और एकदम कॉन्फिडेंस में रहने वाले व्यक्ति है। इन्होंने मुझसे बाहर ही पूछ लिया, बोले स्वदेश भाई बताओ अंदर क्या क्या पूछा था। मैंने कहा भाई अब इतनी जल्दी ये क्या बताऊं, पहला पूछे ये बता दियो, दूसरा पूछे ये बता दियो, तीसरा पूछे ये बता दियो। भैया फुल कॉन्फिडेंस में अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा कि आपके जिम्स का ही कोई व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था। वो और भी समझदार था, उसने सवाल बदल दिए। अब आनंद लीजिएगा, उसने इनसे पहला सवाल पूछा, बोले बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने फुल कॉन्फिडेंस में कहा विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने कहा हो सकता है घर का नाम हो, कोई बात नहीं। उसने अगला सवाल किया, बोले बताओ आपका जन्म कब हुआ। में जाकर सफलता प्राप्त हुई और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग था। उनके अंदर बोला भाई साहब पागल वागल तो नहीं हो गए हो। बोले सर साइंस तो मान चुकी है लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। एक बार इनके लिए भी जोरदार धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत ये भैया को मैंने पीछे देख लिया और भैया का शरीर भी ऐसा नहीं है कि पीछे देखूं और दिखाई ना दे, तो मुझे बताना पड़ा। लेकिन मैं जहां था फिर से वहीं पहुंचने की कोशिश करता हूं, वहीं तक आपको लेकर जाने की कोशिश करता हूं। चार पंक्तियां देखिएगा, ये यशदीप भैया को इन्होंने बुलाया रेवाड़ी से, ये पूनम मिश्रा जी बैठी हुई लखनऊ से आए, तमाम लोगों को दूर दूर से बुला रखा है, मैं बुलंदशहर से खुद चलकर आया। तो क्यों इन लोगों को बुलाया गया, क्या करते हैं ये, क्या कार्य होता है कवियों का और कैसे होते हैं कवि, चार पंक्तियों में परिभाषित करना चाहता हूं इन लोगों को। अगर आप लोगों को लगे कि बिल्कुल ठीक ठीक परिभाषित किया गया है तो फिर अपना समर्थन करिएगा। भैया देखिएगा बिल्कुल नया छंद है, पहली बार पढ़ रहा हूं कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पड़ते हैं यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पड़ते हैं यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। और खुद को जला ही लेते जग को प्रकाश देते ऐसे पिंड दुनिया में रवि कहे जाते हैं। कि खुद को जला ही लेते जग को प्रकाश देते ऐसे पिंड दुनिया में रवि कहे जाते हैं। और दर्पण समाज के हैं कि दर्पण समाज के हैं झूठ नहीं बोलते हैं, दर्पण समाज के हैं झूठ नहीं बोलते हैं। हम ही तो सत्यता की छवि कहे जाते हैं कि दर्पण समाज के हैं झूठ नहीं बोलते हैं। हम ही तो सत्यता की छवि कहे जाते हैं और शब्द साधना के नए प्रतिमान गढ़ते हैं तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। नए प्रतिमान गढ़ते हैं तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।